हेलो एवरीवन, वेलकम। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग टीजीटी पीजीटी की जो क्लास है उस क्लास में इस समय हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और माइक्रोबायोलॉजी वाले इस लेक्चर में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में, ना किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, सेल के बारे में। सेल क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो कल वाले लेक्चर में हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था सेल का, और उसके साथ साथ हमने आपको बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था ना। तो थोड़ा सा हम समराइज करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग जब बात किए हुए थे तो वहां पे हमने आपसे कहा था कि अगर हम लोग सेल की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग सेल्स की बात करते हैं तो जो सेल होता है वो क्या हो जाएगा आपका, दो तरीके से हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, प्रोकैरियोटिक सेल, ना क्या हो जाएगा आपका, एक प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा ना। दूसरा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा ना, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। अब इसको हमें स्ट्रक्चर के बेस पे देखना है ना, जैसे हम लोग कल स्ट्रक्चर बनाए थे तो उस बेस पे हम लोग क्या करना है, देखना है। और हम जानते हैं कि जो आपका प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट की जो आपका बैक्टीरिया होता है ना एग्जांपल, उसी को हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यूकैरियोटिक सेल को डिटेल पढ़ते हैं, फिर हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेल हो जाएगा। एक सेल हमारा ये हो गया, दूसरा सेल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, दो सेल हो जाएंगे, ठीक। तो एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा, है नहीं। तो एक बात जो ध्यान देना है हम सभी लोगों को कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होता है, मैंने कल बताया था, कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा और चाहे यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब कोई भी सेल होगा, अब एग्जाम्पल तौर पर हम बैक्टीरिया लेंगे तो कोई भी सेल होगा उस सेल में क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपलसरी होगा, ठीक है। कोई भी सेल होगा, कोई भी सेल होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, कंपलसरी होगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही, ये बात कंफर्म है। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, है ना, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल बोलेंगे ना, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा ना, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो जब ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस साइटोप्लाज्म में मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात किए थे तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होगा ना, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बनाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस है किसमें है आपका, यूकैरियोट में ना, ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस हो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका, डीएनए होगा। तो जो न्यूक्लियस में आपका डीएनए है, जो हम लोगों को समझना है वो क्या होता है। अच्छा देखो, जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए हमारा दो तरीके से होता है ना, जो डीएनए होता है वो क्या हो जाएगा आपका, दो तरीके से हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका, हेलिक्स के फॉर्म में हो जाएगा, क्या होगा आपका, एक हेलिक्स के फॉर्म में हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर हो जाएगा। तो जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, ध्यान दीजिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो आपका डीएनए है ना, यूकैरियोटिक सेल में आपका जो डीएनए है वो क्या है आपका, हेलिक्स के फॉर्म में होता है ना, कैसे होता है आपका, हेलिक्स के फॉर्म में होता है। आप ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे हैं कि यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस है और उसमें जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा आपका, हेलिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं है, तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है तो मतलब प्रोकैरियोट में क्या डीएनए भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, मतलब डीएनए नहीं है, तो क्या प्रोकैरियोट में जो है आपका डीएनए नहीं होगा, तो
प्रोकैरियोट में भी क्या होता है आपका डीएनए होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट में भी क्या होगा आपका डीएनए होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट में डीएनए होता है जो हम लोगों को समझना है वो क्या होगा आपका, वो आपका सर्कुलर होगा ना, क्या होता है आपका सर्कुलर होता है, ये बात हमें ध्यान देना है। तो प्रोकैरियोट में जो आपका डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा हमारा सर्कुलर हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा डीएनए आपका, इसमें आपका हो जाएगा लीनियर और इसमें क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर, तो यहाँ पे क्या होता है वहां पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोइड है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्या हो जाएगा आपका ये न्यूक्लियोइड हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक बात, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोइड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो कॉमन बात हो गई, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने और सुना होगा ना कि डीएनए से क्या बनता है ना, आपने सुना होगा ना डीएनए से क्या बनता है आपका आरएनए बनता है ना, डीएनए से क्या बनेगा आपका आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनता है प्रोटीन बनता है, हम सभी लोग जानते हैं ना, डीएनए से क्या बनेगा आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनेगा, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर भाई ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में भी ना, इस बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को भी काम करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होगी, नहीं होगी, प्रोटीन की भी जरूरत होगी, एंजाइम की जरूरत होगी। तो देखो जो ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब हम एंजाइम को क्या बोल सकते हैं प्रोटीन बोल सकते हैं। अब प्रोटीन कहाँ से बनेगा, प्रोटीन तो आपका डीएनए से ही बनेगा ना, जो प्रोटीन बनेगा वो कहाँ से बनेगा आपका, प्रोटीन आपका डीएनए से बनेगा, जब प्रोटीन आपका डीएनए से बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा रेप्लिकेशन होगा भाई, डीएनए देखो डीएनए से डीएनए बनेगा ना, क्या बनेगा डीएनए से डीएनए बनेगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जो प्रोसेस है ये आपका रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनेगा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा आपका ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और अगर जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो तीन टर्म है, तो डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, और आरएनए से क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा, ये क्या होगा आपका ट्रांसलेशन होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल डोगमा बोलते हैं ना, नाम सुना होगा इस लोगों ने, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ना, क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा सेंट्रल डोगमा प्रोसेस हो जाएगी। अब देखो सेंट्रल डोगमा जो प्रोसेस होता है ना वो आपका प्रोकैरियोट में भी होगा, वो आपका यूकैरियोट में भी होगा, मतलब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये क्या होगा प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रोकैरियोट में लोकेशन अलग होगी और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा लोकेशन अलग होगा, कैसे होगा। अब आप अगर यहाँ पे देखिए ये जो डीएनए है ना, तो डीएनए अगर ये डीएनए कहाँ पे है न्यूक्लियस के अंदर ना, अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोट में जो डीएनए है ये कहाँ है आपका न्यूक्लियस के अंदर है, तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर है मतलब अगर इस डीएनए को अपनी कॉपी बढ़ाना होगा ना, इस डीएनए को अपनी कॉपी बढ़ाना होगा तो ये क्या करेगा रेप्लिकेशन करेगा, तो रेप्लिकेशन कहाँ होगा रेप्लिकेशन आपका न्यूक्लियस में होगा, ध्यान रखिएगा यूकैरियोट में जो रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ होगा आपका न्यूक्लियस में होगा। और अगर डीएनए से आरएनए बनाना है, ध्यान रखिएगा डीएनए से आरएनए बनाना है तो ये भी कहाँ होगा न्यूक्लियस में, तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जो ये हमारा यूकैरियोट है इसमें क्या होगा रेप्लिकेशन ना, रेप्लिकेशन और क्या हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं आपका न्यूक्लियस में, कहाँ हो रहे हैं न्यूक्लियस में, ध्यान दीजिएगा तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों कहाँ हो रहे हैं आपके न्यूक्लियस में। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, सही बात है नहीं, प्रोकैरियोट में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता नहीं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो जब प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होगा, ये बात हमें समझना होगा कि जब प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होगा, ये हमारा डीएनए है प्रोकैरियोट डीएनए, तो इसका मतलब इसका जो रेप्लिकेशन होगा ना, इसका जो रेप्लिकेशन होगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन ना, जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ये कहाँ होता है इसका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन साइटोसोल में, भाई ये पूरा क्या है आपका साइटोसोल, तो ये कहाँ होता है आपका साइटोप्लाज्म होगा ना, कहाँ हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है आपके एग्जाम में आ जाता है। तो मतलब जो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन होगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कहाँ होगा आपका
साइटोप्लाज्म होगा, और यूकेरियाट में जो रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो कहाँ हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो mRNA है ना, ये क्या बनेगा, आरएनए। अब ये आरएनए क्या होगा ना, बाहर निकलेगा ना, रखिएगा, ये जो आरएनए है ये क्या होगा आपका, बाहर निकलेगा ना, ये क्या होगा आरएनए, बाहर निकलेगा। तो आरएनए कहाँ आएगा, ये आरएनए आएगा आपका साइटोसोल में ना, कहाँ जाएगा, ये आरएनए जो है आपका साइटोसोल में आएगा ना। अब देखो, ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इधर रखिएगा, ऐसे करके क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे करके क्या होती है, ऐसे करके क्या हो जाएगी आपकी, एक आपकी आरएनए और लगी होती है। तो जो आरएनए और लगी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब क्या बोल देंगे इसे हम लोग, ईआर बोल देंगे ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका ना, ये आपका आया था ना, ये डीएनए, ये आपका, ये वाला जो है ना आपका, ये क्या है आपका, ये आपका आरएनए आया हुआ है ना। तो अब क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसी आपका ये जो है ना, ये जो आपका ईआर है, इसी की ईआर के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम लगा होता है ना, इसी ईआर के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये राइबोसोम लगा होगा ना, क्या लगा होगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, तो ये राइबोसोम है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, राइबोसोम हो जाएगा ना, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और आप, मैंने आपको कल वाला लेक्चर बताया था, राइबोसोम आपके दो तरीके से हो जाएंगे, एक 70S हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 80S। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो क्या हो जाएगा आपका, 80S राइबोसोम हो जाएगा। कौन सा राइबोसोम हो जाएगा आपका, 80S राइबोसोम हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, तो 80S राइबोसोम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ना, ये जो आपका डीएनए ना, ये आपका जो डीएनए है, इस डीएनए से जो आपका ये आरएनए बना है, ये आरएनए कहाँ जाएगा, इस राइबोसोम के पास जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आरएनए है, ये आरएनए कहाँ जाएगा, ये आरएनए, ये वाला जो, ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये आरएनए क्या होगा, निकलेगा कहाँ पे, अब ऐसे कर लीजिए, ये आरएनए निकलेगा कहाँ पे आपका, साइटोप्लाज्म में ना, ये आरएनए निकलेगा आपका साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा राइबोसोम के पास ना, कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, राइबोसोम के पास चला जाएगा। तो साइटोप्लाज्म के बाद जब आपका ये राइबोसोम में जाएगा, तो ये आरएनए राइबोसोम में जब जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये राइबोसोम जो है, ये क्या बनाएगा, ये आपका बना लेगा प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो मतलब प्रोटीन जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, राइबोसोम में बन रही है, और राइबोसोम कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है ना, राइबोसोम कहाँ पे है आपका, साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम किसके ऊपर है, राइबोसोम जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, किसके ऊपर है, जो राइबोसोम है वो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है। तो मतलब प्रोटीन कहाँ बन रही है, प्रोटीन की अगर हम लोग लोकेशन बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन की लोकेशन क्या हो जा रही है, प्रोटीन की जो लोकेशन हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है ना, कहाँ हो रही है आपका, साइटोप्लाज्म में ना, क्यों, क्योंकि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम कहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म में है। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम कहाँ पे है आपका, ये साइटोप्लाज्म में है। ये इंटरेस्टिंग बात है और इम्पोर्टेंट बात है, अब आपको जो समझना है। तो मतलब क्या कह सकते हो, यूकेरियोट में जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगा वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जो ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा था आपका, साइटोप्लाज्म में, लेकिन इधर राइबोसोम भी होगा आपका ना, इधर क्या हो जाएगा, मान लो ये क्या हो गया आपका, राइबोसोम हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, राइबोसोम। तो देखो ये डीएनए है ना, इस डीएनए से क्या बनेगा आपका, आरएनए बनेगा, सही बात है ना, ये क्या हो जाएगा आपका डीएनए हो जाएगा, और इससे क्या बनेगा आपका आरएनए बनेगा। ये दोनों कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों आपके साइटोप्लाज्म हो रहे हैं, और यहीं पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपका क्या होगा, यहीं पे आपका राइबोसोम होगा ना, क्या होगा, राइबोसोम। ये आपका जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या हो जाएगा, 70S राइबोसोम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा राइबोसोम हो जाएगा आपका, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना, दूसरे पैसे लिख दे रहा हूँ, ये राइबोसोम क्या हो जाएगा आपका, 70S राइबोसोम ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 70S राइबोसोम ना, 70S राइबोसोम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है आपका, 80S राइबोसोम। तो यूकेरियोट में जो राइबोसोम होगा वो 80S राइबोसोम होगा, और जो प्रोकेरियोट में राइबोसोम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 70S राइबोसोम हो जाएगा। तो जो ये 70S राइबोसोम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 70S राइबोसोम है ना, जो 70S राइबोसोम है, ये आरएनए जो है ना, ये जो आरएनए है ये आरएनए क्या होगा, कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा ना, और जब यहाँ पे आएगा अब क्या बनाएगा, ये राइबोसोम बना लेगा प्रोटीन बना लेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन बना लेगा। तो मतलब जो प्रोटीन बन रही है, जो प्रोटीन बन रही है, वो प्रोटीन कहाँ पे बन रही है, वो प्रोटीन बन रही है आपका साइटोप्लाज्म में ही ना, साइटोप्लाज्म में ही ना,
मतलब जो प्रोटीन, अच्छा देखो जब हम लोग रेप्लिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन की बात करते हैं, प्रोकैरियोट में, ये तीनों चीज कहाँ पे हो जाएंगी? ये तीनों चीज जो है आपके साइटोप्लाज्म में ही हो जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में क्या होता है, लोकेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग बस 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज, 1 मिनट। तो हम लोग जो है जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो आपका प्रोकैरियोट होता है, तो प्रोकैरियोट में जो रेप्लिकेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा ना, तीनों चीज, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तीनों चीज जो है आपका साइटोप्लाज्म में होगा। और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, और ट्रांसलेशन कहाँ हो जाएगा आपका, आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब देखो एक बात और ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या होता है ना, जो मोस्ट ऑफ देम जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ज्यादातर ऑर्गेनली क्या होती है, अब्सेंट होती हैं। तो मोस्ट ऑफ देम जो आपके होते हैं उसमें ज्यादातर क्या हो जाएंगी, आपकी जो ऑर्गेनली होती हैं वो ऑर्गेनली क्या होती है, आपकी अब्सेंट होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनली नहीं होती है भाई, प्रोकैरियोट में भी तो 70S राइबोसोम है। लेकिन एक बात और देखिएगा, मैंने कल वाला लेक्चर बताया था, आज फिर इसको डिटेल बता रहे हैं कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना, तो क्या होता है ना, ये हमारे पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली और होती है ना, कहाँ पे, ये अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली और हैं, और ये जो दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, हेलो चेक करो बार फिर से, मैसेज करो, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो आपका यूकैरियोट है, यूकैरियोट में हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट आपके ये हो जाएंगे ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ना, क्लोरोप्लास्ट और क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ये होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, इनके पास भी खुद का डीएनए होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इनके पास भी क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। लेकिन इनका जो डीएनए होता है ना वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। कल वाले लेक्चर मैंने आपको बताया है, इनका जो डीएनए होता है वो क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर हो जाएगा। तो देखो अगर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए है, सर्कुलर है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने की कैपेबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने की कैपेबिलिटी है किसके पास, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और आप ध्यान रखिएगा ये यूनिक फीचर है, ये क्या है आपका, यूनिक फीचर है। और ये यूनिक फीचर किसमें होता है, यूकैरियोट में होता है। और इस यूकैरियोट में किसमें होता है, सिर्फ आपका जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये फीचर होता है, रिमेनिंग कोई भी ऐसी ऑर्गेनली नहीं होती है जिसके अंदर यूकैरियोट में रेप्लिकेशन भी हो, ट्रांसक्रिप्शन भी हो और ट्रांसलेशन भी हो ना। तो मतलब ये आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपनी प्रोटीन खुद से भी बनाती है ना, ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपनी प्रोटीन क्या करती है, खुद भी बनाती है। ये बात भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आप देखिए, तो मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा ना, इससे क्या बन जाएगा, इससे भी आपका प्रोटीन बन जाएगा ना, इससे भी क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन हो जाएगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन हो जाएगी ना, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्गेनली प्रोटीन बोल देंगे ना, क्या बोल देंगे, ऑर्गेनली प्रोटीन बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा ये जो ऑर्गेनली प्रोटीन है ना, अब एक बार बताओ मुझे,
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को लार्ज स्केल में एंजाइम की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा भाई, अगर क्लोरोप्लास्ट हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहाँ हो रही है आपकी? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। जो आपका, जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो भाई आपका जो है जो टीसीए साइकिल चलेगी, क्रेब साइकिल चलेगी ना, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा, ये सब कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आपकी यूरिया साइकिल चलती है, ये सब कहाँ होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सही बात है नहीं? ये सारी चीजें कहाँ होती है आपकी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो चाहे फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो और चाहे आपका ये सारी प्रोसेस, आपका क्रेब साइकिल है ना, आपका जो है एटीपी का बनना हो जाए, या फिर आपका जो है लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो जाए, या और जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये सारी चीजों करने के लिए क्या होता है? एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने आपको बताया जो एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम क्या होती हैं? ज्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर की होती है ना। तो ज्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी? प्रोटीन इन नेचर की होती है। इस बात को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो ये प्रोटीन इन नेचर की होती है तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो आपकी एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स मेनली कहाँ से मिलेंगी? ज्यादातर आप ये एंजाइम जो मिलेंगी, ये वाली जो प्रोटीन बनेगी ना, मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो खुद की अपनी प्रोटीन बनाएगा, वही क्या करेगा, उसको इन्वॉल्व करेगा। मतलब समझेगा मेरी बात को, कि मतलब जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, एंजाइम क्या है आपका? प्रोटीन। तो वो प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है। क्या करेगा? खुद बनाएगा। जैसे और ऑर्गेनेल है ना, जैसे हम लोग बात कर ले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेंगे, गॉल्जी बॉडी की बात कर लेंगे, पराक्सिसोम की बात कर लेंगे, लाइसोसोम की बात कर लेंगे, या किसी और ऑर्गेनेल की बात कर लेंगे, ध्यान रखिएगा किसी और ऑर्गेनेल की बात कर लेंगे, तो अगर उस ऑर्गेनेल में, समझे आप मेरी बात को, अगर उस ऑर्गेनली में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सपोज दैट मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये मान लो अगर हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बोलते हैं, ये हमारा बोलते हैं गॉल्जी बॉडी है, क्या हो जाए हमारा, ये गॉल्जी बॉडी हो जाए। इधर हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये पराक्सिसोम ना, क्या बोलते हैं, पराक्सिसोम बोलते हैं, पराक्सिसोम बोलते हैं ना, ये हमारा पराक्सिसोम हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा लाइसोसोम हो जाए ना, क्या हो जाए, ये लाइसोसोम हो जाए ना, लाइसोसोम हो जाए, ध्यान दीजिएगा। तो भाई इस गॉल्जी बॉडी में जो काम हो रहा होगा, समझे आप लोग, इस गॉल्जी बॉडी में जो काम हो रहा होगा, इस पराक्सिसोम में जो काम हो रहा होगा, इस लाइसोसोम में जो काम हो रहा होगा, या इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो काम हो रहा होगा, इस राइबोसोम में जो काम हो रहा होगा, आपको पता ही है काम होते हैं, तो इन सब में जो भी काम हो रहा है, इन सबको करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना। इन सबको करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, समझेगा सभी लोग, मतलब न्यूक्लियस में भी काम करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। राइबोसोम भी काम करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन मतलब एंजाइम के फॉर्म में हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। गॉल्जी बॉडी को भी काम करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। पराक्सिसोम को भी काम करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। लाइसोसोम को भी काम करने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब इन सारी ऑर्गेनेल के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोटीन कहाँ से मिलेगी, वो प्रोटीन ये वाली मिलेगी। कौन वाली मिलेगी, ये वाली प्रोटीन, मतलब जो डीएनए से आपका आरएनए बना हुआ है, कहाँ से आपका, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस से जो डीएनए से आरएनए बना हुआ है, और वो आरएनए कहाँ गया था, राइबोसोम के पास गया था ना, बताया था। तो ये आपका डीएनए से आरएनए, आरएनए कहाँ गया आपका, राइबोसोम के पास गया। राइबोसोम क्या हो जाएगा, एटीएस हो जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा, आपका प्रोटीन बन जाएगा। इसे हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियर प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो न्यूक्लियर प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियर प्रोटीन है, न्यूक्लियर, अब देखो तो हमारे पास प्रोटीन हो रही है, मतलब न्यूक्लियस का ये mRNA यूज करके, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस का ये mRNA यूज करके जो ATS राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन। बस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का ये mRNA यूज करके जो राइबोसोम, राइबोसोम कौन सा जाएगा, ATS राइबोसोम जो प्रोटीन बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन बोलेंगे। और ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, यही क्या करेगा, सप्लाई करेगा, यही प्रोटीन को सप्लाई करेगा। किसको करेगा, खुद न्यूक्लियस को भी करेगा, किसको और करेगा, गॉल्जी बॉडी को भी करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी करेगा, आपका जो है राइबोसोम को भी करेगा, आपका जो है पराक्सिसोम को भी करेगा, लाइसोसोम को भी करेगा। लेकिन जो आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, इनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इनको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये ज्यादातर प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादातर जो प्रोटीन होती है, ज्यादातर प्रोटीन ये खुद से ही बना लेता है। मैं देखो पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज्यादातर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंजाइम बन रही है, यहाँ पे जो एंजाइम लग रही है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे जो एंजाइम लग रही है वो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एंजाइम को खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपनी एंजाइम को खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ की जरूरत पड़ती है तो, कुछ की जरूरत पड़ती है तो ये आपका जो न्यूक्लियर प्रोटीन है ये भी सप्लाई करता है इसको, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये भी इसको सप्लाई करेगा ना। मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादातर प्रोटीन जो उनको रिक्वायरमेंट है वो खुद बनाते हैं, क्योंकि तो उनके पास क्या है, खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, कुछ नहीं बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, कुछ प्रोटीन नहीं बना पाते हैं, तो उस प्रोटीन को क्या करते हैं, ले लेते हैं कहाँ से, आपका जो न्यूक्लियर वाली प्रोटीन है ना, मतलब जो न्यूक्लियर से आपकी प्रोटीन बनी है उससे ले लेते हैं। मतलब सारी आर्गेनली जो है, जो सारी आर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के जितनी आर्गेनली है, ये सारी आर्गेनली क्या काम करती है, ये सारी आर्गेनली के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलेगा, ये आपका न्यूक्लियर प्रोटीन मिलेगा ना, कौन मिलेगा, न्यूक्लियर प्रोटीन। तो न्यूक्लियर प्रोटीन सारी आर्गेनली को क्या करेगा, प्रोटीन की सप्लाई करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सारी प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सारी प्रोटीन न्यूक्लियर प्रोटीन से नहीं लेते हैं, वो किससे लेते हैं, वो अपना खुद बना लेते हैं। बाकी मेरा नहीं आ रहा है, अगर इसको हम पॉइंट में लिख दें, हम पॉइंट में लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं ना कि मोस्ट ऑफ, ना क्या होगा, मोस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटीन, मोस्ट ऑफ प्रोटीन जो किसमें, जो रिक्वायरमेंट होती है किसमें, आपका क्लोरोप्लास्ट ना, किसमें आपका क्लोरोप्लास्ट, और क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसमें, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या होगा, सेल्फ अप करता है। सेल्फ मतलब क्या करेगा, इसी के अंदर क्या होगा आपका, रेप्लीकेशन होगा ना, क्या होगा, रेप्लीकेशन होगा, किसमें रेप्लीकेशन होगा, क्लोरोप्लास्ट में ना, रेप्लीकेशन के बाद क्या होगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसलेशन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये जो तीनों चीजें होती हैं ये किसके अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मतलब इसके जो रिक्वायरमेंट है यही अपना पूरा कर लेता है ना, कौन कर लेता है आपका, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन कुछ एंजाइम और प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, कुछ ये आपके जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ आपका एंजाइम और एंड प्रोटीन ये कहां से लेता है, ये लेता है आपका न्यूक्लियर प्रोटीन से। किसे लेगा आपका, न्यूक्लियर प्रोटीन से लेगा ना, न्यूक्लियर प्रोटीन से, न्यूक्लियर सब नहीं लेगा, कुछ लेगा, ध्यान रखिएगा, सब नहीं लेगा, कुछ लेगा। तो क्योंकि क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एंजाइम और प्रोटीन खुद से बना लेता है, लेकिन कुछ बाहर से भी लेता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे सेम, क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस बोलेंगे ना। तो मतलब ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपकी आर्गेनली है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, नहीं, हम लोग सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस मतलब क्या हो जाएगा, ये ज्यादातर प्रोटीन और ज्यादातर अपनी एंजाइम ये क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। देखो सेमी ऑटोनॉमस बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस नहीं बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस बोल रहे हैं, ऑटोनॉमस नहीं बोल रहे हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन ये क्या करता है, खुद बना लेता है, लेकिन कुछ की जरूरत जब पड़ती है तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, ये डिपेंड हो जाता है आपका न्यूक्लियर प्रोटीन। और न्यूक्लियर प्रोटीन कौन सी है, ऐसी प्रोटीन जो न्यूक्लियस के या mRNA को यूज करके अपनी प्रोटीन बनाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग बात कर लें न्यूक्लियस की बात कर लें ना, अगर हम लोग किसकी बात कर लें, न्यूक्लियस की बात कर लें, या फिर हम लोग किसकी बात कर लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, किसकी और बात कर लें, गॉल्जी बॉडी की बात कर लें, फिर किसकी बात कर लें हम लोग, पराक्सीसोम की बात कर लें ना, पराक्सीसोम की बात कर रहे हैं, फिर और किसकी बात कर लें हम लोग, लाइसोसोम की बात कर लेना,
इन सबको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखिएगा, इन सबको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन कहाँ से आती है? न्यूक्लियर प्रोटीन। क्या होगा? न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब ये ऑटोनॉमस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। इन सारे ऑर्गेनिक के लिए ऑटोनॉमस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब ये पूरी तरीके से क्या होती हैं? डिपेंड होती हैं। ये पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं। किस पे डिपेंड होती हैं? पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं आपका न्यूक्लियर प्रोटीन पे। मतलब ये खुद से कुछ नहीं बनाती हैं, ये पूरी तरीके से डिपेंड होती है ना। तो ये क्या हो गया आपका? मेजर डिफरेंस हो गया ना। ये आपका यूकेरियोट में ये जो हम लोग ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, ये क्या हो गया आपका? ये आपका मेजर डिफरेंस हो गया ना। तो ये डिफरेंस हुआ आपका प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये प्रोटीन बन रहा है ना, यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो भाई राइबोसोम तो लगेगा ही ना। मैंने कल आपको बताया था राइबोसोम लगेगा। इसमें क्या होता है? 70S राइबोसोम होता है ना। ये क्या हो जाएगा? 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम यहाँ पे भी लगा है प्रोकैरियोट में, और 70S राइबोसोम किसमें है आपका? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। कहने का मतलब ये है कि जो यूकेरियोट होता है, यूकेरियोट में क्या होगा आपका? 80S ही राइबोसोम होगा ना। ये आपका 80S राइबोसोम होगा। 80S राइबोसोम किसको यूज करेगा? 80S राइबोसोम जो यूज करेगा वो आपका न्यूक्लियस के डीएनए और उसके आरएनए पे यूज करेगा। लेकिन जो 70S राइबोसोम होगा वो किसको यूज करेगा? जो क्लोरोप्लास्ट का आपका आरएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जो आरएनए होता है वो क्या करेगा? उसको यूज करता है। यहां तक बात होपफुली आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे किसी को डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपका क्या हो गया है? क्लियर हो गया है, डन है ना। अब देखो यहाँ पे एक बात हमें और जो समझना है, यहाँ पे हमें जो एक बात और समझना है वो समझना ये है कि जब हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं ना भाई, हम लोग किसको बात करने वाले हैं? बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। तो एक बात मैंने क्या बोला था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में कॉमन होगा, चाहे प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो। कोई भी सेल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाएगा? सब में कॉमन होगा। ये बात हमें समझना है अच्छे से। लेकिन अब यहाँ पे जो हम लोगों को ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं, इस प्रोकैरियोट के ऊपर ना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर एक लेयर और होती है ना। क्या होती है? इसी के ऊपर क्या होती है? एक लेयर और होती है। ये जो एक लेयर और होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? सेल वॉल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ना। क्या हो जाएगा आपका? ये सेल वॉल। तो अच्छा देखो, जब यूकेरियोट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोट में जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सेल वॉल कंपल्सरी होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट में जब हम लोग बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? सेल वॉल कंपल्सरी होगा। लेकिन जब हम लोग यूकेरियोट की बात करेंगे तो यूकेरियोट में सेल वॉल कंपल्सरी नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, यूकेरियोट में जो सेल वॉल है वो कंपल्सरी नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो यूकेरियोट में सेल वॉल हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टाइप ऑफ सेल के ऊपर ना। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सेल के ऊपर। अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन प्लांट में अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है ना। हम सभी लोग जानते हैं जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। आप जानते हैं ना प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। किसका बना होगा? सेलुलोज का। फंजाई है ना, फंजाई में भी क्या होता है? सेल वॉल होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है ना। तो फंजाई में भी क्या होता है? सेल वॉल होता है। और किसका बना होता है आपका? काइटिन का बना होता है ना। ये इंटरेस्टिंग बात है और इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को हम लोग क्या करना है? समझना है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है किसका आपका? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में ना। अब हम लोग बात करने चले थोड़ा सा इसका, हम लोग कुछ टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। कल हमने कुछ टेबल फॉर्म में देखा हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। आज उसको हम लोग क्या करते हैं? पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर डिटेल में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ना। बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक एक फीचर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक पीपीटी यूज कर लेते हैं।
ये कुछ चीजें हमने आपको कल बताया था ना, कल वाले लेक्चर में कुछ चीजें हमने डिस्कस किया था, 2 मिनट में आपको बता देते हैं। तो कल जो आपको नहीं बताए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। तो देखो आप यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा कि जो ये प्रोकैरियोट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोट हो जाएगा। प्रोकैरियोट की एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना, ये आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, सर्कुलर डीएनए होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोकैरियोट में क्या हो जाएगा, सर्कुलर डीएनए होगा, और ये कहाँ होगा आपका, साइटोप्लाज्म होगा। यूकैरियोट में क्या होगा, आपका लीनियर डीएनए होगा ना। यूकैरियोट में क्या होता है, आपका लीनियर डीएनए होता है, और कहाँ भी होता है आपका, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन मैंने आपसे और कहा कि यूकैरियोट में भी सर्कुलर डीएनए होता है ना, यूकैरियोट में भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। कहाँ होता है, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया ना। इनमें क्या होता है आपका, होता है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपका, सर्कुलर डीएनए होता है। सही बात है नहीं? तो पहला पॉइंट क्लियर, ये मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नो आर्गेली। देखो यहाँ पे लिखा है नो आर्गेली, लेकिन थोड़ा हम तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आर्गेली अब्सेंट, है ना। क्या बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ देम जो आर्गेली होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। देखो मोस्ट की मोस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादातर आर्गेली अब्सेंट होती है, लेकिन 70S आर्गेनिक होता है ना, 70S राइबोसोम तो होता है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका, 70S राइबोसोम तो होता ही है ना, 70S जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनली, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम जो आर्गेनली होती है यूकैरियोट में क्या होंगी आपकी, प्रेजेंट होंगी। तो मोस्ट ऑफ देम आर्गेनली मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गॉल्जी बॉडी होगा, पराक्सिसोम होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और सबसे बात देखिए सब में क्या होता है, मेम्ब्रेन लगी होती है ना, सब क्या होती है। अब देखो जैसे हमने देखा था ना, न्यूक्लियस के साथ क्या अटैच हुआ था, न्यूक्लियस के साथ अटैच हुआ था आपका न्यूक्लियस के साथ आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच हुआ था, तो वो क्या हो गया था, मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनली होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनली हो जाएगा। अगला पॉइंट हमने देखा था न्यूक्लियोइड होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, प्रोकैरियोट बैक्टीरियम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड हो जाएगा। यूकैरियोट में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये बात मैंने आप सभी लोगों को बताया था। अगली बात बताया था सिंगल क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में, और क्या हो जाएगा, सेवरल क्रोमोसोम किसमें होगा आपका, यूकैरियोट में। आपको पता ही है यूकैरियोट में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके क्रोमोसोम होते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, होता है, तो मैंने बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में क्या होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कॉमन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ रहा है, रिसेप्टर ना, रिसेप्टर मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिए कि ये हमारी क्या हो गई, कोई सेल हो गई, कोई आपकी यूकैरियोटिक सेल हो गई। अब यूकैरियोटिक सेल हो गई, ये कोई मॉलिक्यूल है ना बाहर आए, कोई मॉलिक्यूल बाहर आए, इस मॉलिक्यूल को आना है सेल के अंदर आना है ना, कहाँ पे आना है, सेल के अंदर आना है। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा होता है, एक रिसेप्टर लगा होता है। रिसेप्टर मतलब क्या बोलते हैं, रिसीवर ना, रिसेप्टर मतलब क्या हो जाएगा, रिसीवर लगा होता है। तो ये जो रिसेप्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल आएगा कहाँ बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा आपका रिसेप्टर पर, कहाँ पर बाइंड करेगा, रिसेप्टर पर, और इस रिसेप्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा ना, कहाँ जाएगा, ये सेल के अंदर आएगा। तो मतलब यूकैरियोट में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल बाहर से आ रहा है, तो उसको अंदर आने के लिए, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये क्या करता है, बैरियर के तौर पे काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करेगा, आपका बैरियर तरीके से काम करेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो एंटीजन का नाम सुना होगा ना लोगों ने, ये और भी कोई चीज सुना होगा, तो कह रहे कोई मॉलिक्यूल बाहर से अगर अंदर आ रहा है तो अपने आप नहीं आएगा, उसको आने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर लगा होता है। तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा होगा, रिसेप्टर लगा होता है ना। तो रिसेप्टर की बड़ी स्टोरी है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, रिसेप्टर की बड़ी स्टोरी जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आपका लगा होता है रिसेप्टर, लगा होता है ना, रिसेप्टर मतलब क्या हो जाएगा, रिसीवर, कहाँ लगा होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर ना, तो जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होता है, ये लगा होता है, ठीक है। अगली बात तो करें, जनरली क्या होता है, रिसेप्टर लाइफ होता है, मतलब प्रोकैरियोट में रिसेप्टर नहीं होता है, और यूकैरियोट में क्या होता है आपका, रिसेप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद केमिकली, अब देखो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल ना में कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, मैंने आपसे कहा
कि जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है, कंपलसरी हो जाता है पेप्टाइडोग्लाइकान। तो पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया में कंपलसरी हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जब हम लोग यूकेरियोट की बात करेंगे, मतलब बैक्टीरिया में जो आपका सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान। अब पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो यूकेरियोट है, ध्यान रखिएगा, जो यूकेरियोट है, यूकेरियोट में क्या होगा, सेल वाल, मतलब जो आपकी सेल वाल है वो हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। अगर नहीं है, जैसे आपकी एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वाल हो सकती है, अब एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होती है, लेकिन प्लांट हो गया, फंजाई हो गया, उसमें क्या होगा, आपका सेल वाल होगी। एनिमल भी तो आपका यूकेरियोट में आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, सेल वाल नहीं होती है। भाई हम लोगों का जो सेल है ना, हम लोगों का जो सेल है, ह्यूमन का जो सेल है, उसमें कोई सेल वाल तो होती नहीं है। लेकिन हम लोग प्लांट की बात कर लेते हैं, फंजाई की बात कर लेते हैं, या एल्गी की बात कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपका सेल वाल होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि केमिकली सिंपल सेल वाल ना, जैसे सेलुलोज किसमें होता है, प्लांट में होता है, काइटिन किसमें होता है, फंजाई में होता है, ये बात आप सभी लोग जानते ही है ना। फिर देखिए, मैंने आपको अगली बात क्या बताया था, ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए ट्रांसलेशन। मैंने आपको बोला ना, चाहे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तीनों चीज बैक्टीरियम कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना, बैक्टीरियम कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म ना। तो लिखा है साइमल्टेनियसली किसमें होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है ना। लेकिन जब हम लोग यूकेरियोट की बात करते हैं तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस है ना, सही बात है नहीं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में, और आपका जो ट्रांसलेशन होता है वो कहाँ होता है, आपका साइटोसोल में ना। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, आपका साइटोसोल में होता है, ये बात भी मैंने आपको बताया हुआ था ना, अभी तो बता ही रहे थे ना सारी चीजें, वही तो लिखा गया है यहाँ पे। फिर देखो फ्लैजिलम, जब बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में क्या होगा, फ्लैजिला होता है, आपको पता है ना, हम लोग पढ़ेंगे, तो फ्लैजिला होता है बिल्ट फ्रॉम टू प्रोटीन, अभी आपको बताएंगे ना, फ्लैजिला डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियम क्या होता है, फ्लैजिला होता है, सेक्सपिली होती है, आप जानते हैं ना, और इसमें क्या होगा, फ्लैजिलम होता है ना, ये क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे जो फ्लैजिलम बनेगा वो टू प्रोटीन से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लैजिलम होता है माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, अगर होगा तब, कोई जरूरी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है होगा, होगा तो किसका बनेगा, आपका माइक्रोट्यूब्यूल का बनेगा, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग डायग्राम में भी देख चुके थे ना, जो हम लोग डायग्राम पढ़े थे उसमें इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा हुआ था ना। चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग बात है ना, कुछ चीजें जो है हम लोग और देख लेते हैं। ये आज हम लोग जो है ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे कल जो है सिर्फ देखो बैक्टीरिया का आइडिया तो लग ही गया है, लेकिन कल क्या होगा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ना उसको। तो देखो यहां तक बात हो गया था, अब देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, मे हैव पीली एंड फिम्ब्रियाई। आप जानते हैं बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या होता है, पीली होता है और फिम्ब्रियाई होता है ना, क्या होता है इसका क्या काम होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना, क्या काम होता है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन आप जानते हैं पीली और फिम्ब्रियाई होता है ना, किसमें, आपका बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूकेरियोट में सिलिया होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, क्या हो जाएगा आपका, सिलिया होगा। तो यूकेरियोट में आपका सिलिया होगा, प्रोकैरियोट में आपका फिम्ब्रियाई होगा, और क्या हो जाएगा आपका, आपका जो है फिम्ब्रियाई हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, पीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये बैक्टीरिया हम लोग बनाए थे ना, ये जो हम लोग बैक्टीरिया बनाए थे उसी में क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरियम क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया का एक यूनिक फीचर है क्या, आपका प्लाज्मिड ना। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, मे है प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड भी हो सकता है ना। तो ये डीएनए आउटसाइड क्रोमोसोम, ये क्या होता है, जो जनरली डीएनए होता है ना, जो बैक्टीरिया का जनरली डीएनए होता है उसके क्या होता है आपका, ये आउटसाइड होता है ना, ये उसके आउटसाइड होता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन ना, यूकेरियोट में क्या होता है, जनरली जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो आपका कॉमन नहीं होता है। तो प्लाज्मिड डीएनए जनरली किसमें होता है, आपका बैक्टीरियम होता है, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखिए आपका ना कॉम्पैक्ट जीनोम ना, ना लिटिल रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, करें लिटिल रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपका डीएनए है, ठीक है, मान लो ये कोई डीएनए, समझो आज बात ना, तो डीएनए है तो भाई डीएनए किसका बना होगा, डीएनए जो आपका बना होता है वो बना होता है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, यही जानते हैं ना, डीएनए किसका बना होगा,
एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी। आपको पता है ना, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और क्या हो जाएगा आपका, टीटीपी। इन चार चीज से क्या बना होता है ना, इन चार चीज से आपका बना होता है ये ना, इन चार चीज से आपका डीएनए बना होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग बात है। क्या होगा आपका कि जो प्रोकैरियोट होता है, जैसे मान लो ये एडेनिन है, कि एडेनिन कई जगह रिपीट हुई होगी। ध्यान रखिएगा, मान लो ये एडेनिन है तो एडेनिन कई जगह रिपीट होगी, तो या आपका ग्वानिन है तो ग्वानिन कई जगह रिपीट होगी, मतलब यही एडेनिन कई बार आया होगा, या फिर यही ग्वानिन क्या होगा कई बार आया होगा, यही साइटोसिन क्या होगा आपका कई बार आया होगा। तो उसे बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। तो रिपीटेटिव मतलब जो ऐसा डीएनए, मतलब डीएनए के एक ऐसे सीक्वेंस जहां पे कोई न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हुआ हो ना, बार बार रिपीट हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिपीटेटिव डीएनए। मान लो एडेनिन जो है ना, एडेनिन मान लो क्या हो जाए, 20 बार रिपीट हुआ हो, 25 बार रिपीट हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रिपीटेटिव डीएनए। तो जो कह रहे हैं कि जो आपका प्रोकैरियोट होता है उसमें रिपीटेटिव होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। जो आपका ये यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट में क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है आपका रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यूकैरियोट में जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मे हैव ग्लायोकैलिक्स कवर। अब ग्लायोकैलिक्स कवर मतलब क्या हो जाएगा, ग्लायोकैलिक्स कवर मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है ना, जब हम लोग इससे बात करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये क्या होता है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, देखा होगा ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा ना, ऐसे करके क्या पढ़ा होगा आपने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा ना, ऐसे करके क्या पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना, लिपिड बाइलेयर होता है। तो क्या होता है ना, इसे जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसे मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कुछ लेयर बनी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कुछ लेयर बनी होती है ना। ये जो आपका मेम्ब्रेन लिपिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाई लेयर होती है। आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे, इतनी बात तो जानते होंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, एक आपकी कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लायोकैलिक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्लायोकैलिक्स। अब देखो भाई, अब अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारी सेल हो गई ना, अगर ये हमारी सेल हो गई, क्या सेल हो गई, ये आपका जो है बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बैक्टीरिया में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे करके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की एक लेयर होती है ना, क्या होती है, सिंपल है, समझिए, इसी के ऊपर क्या होती है, एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लायोकैलिक्स बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, ग्लायोकैलिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मे हैव अ ग्लायोकैलिक्स कवर, ठीक है, ग्लायोकैलिक्स ओनली इफ नो सेल वॉल। कह रहे हैं कि देखो, मैंने आपको बताया ना कि जब हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, तो यूकैरियोट में सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल ना भी हो सकता है, यही बात कहा ना, कि यूकैरियोट जो होता है, यूकैरियोट में जो आपका सेल वॉल है वो सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल ना भी हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताया है। तो अगर सेल वॉल है, ध्यान रखिएगा, अगर यूकैरियोट में सेल वॉल है तो ग्लायोकैलिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर यूकैरियोट में सेल वॉल नहीं है तभी ग्लायोकैलिक्स होगा ना। तो मतलब ग्लायोकैलिक्स यूकैरियोट में हो भी सकता है ना भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका सेल वॉल की कवर है या नहीं है, सही बात है ना। तो ग्लायोकैलिक्स क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि जो सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर क्या होती है आपकी, एक आउटर लेयर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लायोकैलिक्स बोलते हैं। तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली बात देखिए, स्मॉल राइबोसोम होगा ना, स्मॉल राइबोसोम मतलब क्या हो जाएगा, 70S राइबोसोम होगा, क्या होगा यहाँ पे, 70S राइबोसोम होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लिखा है लार्ज राइबोसोम इन साइटोसोल या न्यूक्लियस ना, कह रहे हैं कि लार्ज राइबोसोम होगा, लार्ज राइबोसोम मतलब क्या हो जाएगा, 80S राइबोसोम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, 80S राइबोसोम हो जाएगा। और स्मॉल राइबोसोम इन ऑर्गेनेल्स लिखा है ना, स्मॉल राइबोसोम इन ऑर्गेनेल, तो ऑर्गेनेल मतलब किसमें हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये क्या हो जाएगा आपका, 70S ना, क्या हो जाएगा आपका, 70S ऑर्गेनेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 70S ऑर्गेनेल हो जाएगा, सही बात है नहीं। उसके बाद देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जो ये डीएनए है, जैसे हम यूकैरियोट की बात करते हैं, तो जब डीएनए बनेगा, डीएनए कैसे बनेगा भाई, रेप्लिकेशन होगा ना, डीएनए से डीएनए बनता है ना, मतलब एक डीएनए है उसकी क्या होगी, कॉपी होगी, मतलब उसका रेप्लिकेशन होगा, उसे क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, आपको पता ही है।
तो जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, नए आपके डीएनए बनते हैं ना, क्या बनते हैं, नए डीएनए बनते हैं। तो वो डीएनए जो होता है ना वो पैक होता है, ध्यान रखिएगा, डीएनए जो बनता है वो डीएनए क्या होता है, पैक होता है। और क्या बनता है, क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम और डीएनए में अंतर है, क्रोमोसोम और डीएनए में अंतर है। मतलब डीएनए क्या है, एक लीनियर फॉर्म आपका डीएनए है। अब जब उसको हम क्रोमोसोम में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब उसको हम पैक करेंगे। क्रोमोसोम में क्या होता है, पैक होता है, मतलब वो जो डीएनए होता है उसको पैक करने के लिए कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, सुना होगा आप लोगों ने ना, उस डीएनए को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, क्रोमोसोम में कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। आप ये कह लीजिए कि जो डीएनए आपका बना है ना, जो डीएनए आपका बना हुआ है, उस डीएनए को पैक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन जो यूकेरियोटिक डीएनए है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, क्रोमैटिन में कन्वर्ट करता है। और फिर क्रोमैटिन के बाद किसमें कन्वर्ट करता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट करता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो मेनली हिस्टोन प्रोटीन किसमें होती है, आपके यूकेरियाट में। तो मेनली जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो कहाँ होती है, आपकी यूकेरियाट में होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ना, तो आपका यूकेरियाट में क्या हो जाएगा आपका, तो वही बात कर रहे हैं कि नो हिस्टोन इन क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में हम लोग क्रोमोसोम की बात नहीं करते हैं, हम लोग जो क्रोमोसोम की मेनली बात करते हैं वो कहाँ करते हैं, आपका यूकैरियोट में करते हैं ना। इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए वाउंड अराउंड हिस्टोन, मतलब जो डीएनए होता है उस डीएनए को पैक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे ये सब हिस्टोन प्रोटीन वगैरह के बारे में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, बहुत सारे फीचर आप लोगों ने देख लिया ना, बहुत सारे फीचर आप लोगों ने क्या किया, देख लिया है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ फीचर हम लोग और देख लेते हैं ना, कुछ फीचर जो है इसके हम लोग क्या करते हैं और देख लेते हैं। देखो तो कह रहे हैं कि क्या होगा, लाइक साइटोस्केलेटन। देखो क्या होता है ना, साइटोस्केलेटन प्रोटीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना, तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन क्या होती है, सपोर्टिव प्रोटीन होती है। साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, सपोर्टिव प्रोटीन होती है। सपोर्टिव प्रोटीन का मतलब क्या हो जाएगा, सपोर्टिव प्रोटीन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोटीन, हरिएगा, सपोर्टिव प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी प्रोटीन ना, ऐसी प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसमें, आपका यूकेरियाट में। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, साइटोस्केलेटन प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुल वगैरह नाम सुना होगा ना लोगों ने। तो ये क्या होती है, आपका यूकेरियाट में होता है, मेनली किसमें होगा, आपका यूकेरियाट में। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में मेनली आपका जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है वो नहीं होती है ना। अब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग डिटेल बात करेंगे किसके बारे में, साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बारे में। बस इतना सा आप समझिए, जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ना। जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, किसका, सेल का, कहाँ पे, आपका यूकेरियाट में ना, या कह लीजिए कि सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करने में ये क्या करती है, आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाँ, तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि आपका जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में जनरली क्या होता है, साइटोस्केलेटन नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोट जो होता है उसमें क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल, मैं आपको बता रहा था ना, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, माइकोलेगनियस कैप्सूल। देखो कैप्सूल होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे ना, हम लोग भी बाद में डिस्कस करेंगे। जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, कैप्सूल, कैप्सूल खाने वाला नहीं, दूसरा कैप्सूल होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जनरली आपका कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। सेल साइज क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है भाई, प्रोकैरियोट का सेल है तो वो क्या होगा, स्मॉल इन साइज होगा ना। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉल इन साइज का होता है, और जो यूकैरियोट का सेल होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज साइज का होगा, सही बात है नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लोग यूकैरियोट की बात करेंगे, सॉरी प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में जो आपका रेप्लिकेशन होता है, सॉरी रिप्रोडक्शन होता है, वो ए सेक्सुअल होता है। और जब हम लोग बायोलॉजिकल
बात करते हैं, यूकेरियोट में यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मियोसिस और माइटोसिस होता है ना, आप सबको पता है मियोसिस और माइटोसिस होता है ना। ये क्या हो गया, ये आपका एक डिफरेंस हो गया, किसमें ये डिफरेंस हो गया आपका प्रोकैरियोट और यूकेरियोट, कई सारे डिफरेंसेस है, ये सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। कल वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखो ये डायग्राम आप देख लीजिए, दो मिनट के अंदर वही सारी चीजें लिखा गया है ना, आप डायग्राम में देखिए, अगर आप देखेंगे ये देखो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, देखो ये न्यूक्लियस हो गया ना ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, देखो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर और है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस ना, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर और उसे हम लोग क्या बोलेंगे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। उसके बाद देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा गोल्गी अपैरेटस, इधर क्या हो जाएगा सेंट्रियोल बताएंगे आपको ना, ये क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, डिटेल बात ये है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर राइबोसोम है तो वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और अगर यहाँ अगर राइबोसोम नहीं है ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और राइबोसोम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, देखो इधर राइबोसोम है ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इधर राइबोसोम नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा ना, ये आपका पूरा हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, डिटेल मैंने बताया ही था अभी। इधर देखो आपका ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर आप बैक्टीरिया हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियॉइड हो गया, इधर देखो ये क्या हो गया आपका ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, उसके बाहर क्या हो गया आपका सेल वॉल हो गया, कल हम लोग डिटेल इसके बारे में बात करेंगे ठीक है। ये न्यूक्लियॉइड हो गया, इधर देखो ये ऊपर क्या है पिनी है, ये देखो क्या है आपका कैप्सूल है ना, और इधर क्या है आपका फ्लैजिला है ना, और आपको मैंने बताया था एक जेनेटिक मटेरियल ना एक डीएनए और आपका होता है जो सर्कुलर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मिड बोलते हैं ना। तो ये डिटेल में इतना स्ट्रक्चर हो गया है, कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका आपका ये जो है आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जब इतना हो जाएगा ना ये थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे ना, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ये देख रहे हैं ना बहुत डिटेल डायग्राम है ना, इस डिटेल डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो देखेंगे ना कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेस क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और दोनों में कॉमन क्या है सिमिलरिटी क्या है उसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ना प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, फिर हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया की सेल वाल ना, मैंने आपको कहा ना पेप्टाइडोग्लाइकान, तो पेप्टाइडोग्लाइकान के बेस पे ही बैक्टीरिया हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हम लोग क्या करते हैं डिसाइड करते हैं ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल सेम टाइम पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।